आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस पावर बैंक का रिव्यू और अनबॉक्सिंग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे पास है एम्ब्रेन की तरफ से आने वाला पावर बैंक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैं कैपेसिटी बता देता हूँ, टोटल 12,500 का कैपेसिटी है, 12,500 mAh, और उसका गोल्ड कलर में मेरे पास है ये। मैं आपको ओपन करके 2,200 का प्राइस टैग आपको देखने को मिल रहा है, पर ये सब इतना भी प्राइस नहीं लेता, सिर्फ 600 लिया था इसका प्राइस। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप ओपन करते हैं कुछ आपको अंदर से कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये रहा पावर बैंक और ये रहा केबल। तो केबल ऐसा नहीं था, कुछ और भी अच्छा से मतलब रैप किया हुआ था प्लास्टिक में। पावर बैंक भी प्लास्टिक में आता था, पर मैंने सब खो दिया, कहाँ पर मुझे भी नहीं पता। पावर बैंक और ये रहा यूज़र मैनुअल, कोई ज़रूरत नहीं फेंको इन सब को, साइंस में लिखा हुआ है। तो ये रहा पावर बैंक, इसको मैं ऑन कर देता हूँ अभी। थोड़ी शिट, चार्ज ही नहीं है तो पावर अप करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं जल रहे, पर यहाँ पर बैटरी ख़त्म हो गया, उतना भी चार्ज ख़त्म हो गया पूरा। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आउटपुट 5 वोल्ट का देखने को मिलता है, 5 वोल्ट दोनों, दो USB पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। इधर आपको चार्जिंग के लिए एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, और पीछे साइड में ऐसा करके आपको कुछ देखने को मिल जाता है, ऐसा करके आप ये रख सकते हैं। और यहाँ से आप टोटल 2 4,000 mAh का बैटरी, जो मोबाइल आता है 4,000 mAh, उनको 2 बार आप चार्ज कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12,500, पर उतना भी नहीं, आपको 8,000 mAh आपको देखने को मिलता है। मतलब अगर आप मैक्सिमम आप 2 ही मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, आप सोच लीजिए बस। अब मॉडर्न मोबाइल की मैं बात करूँ, मतलब 4,000 जिनका कैपेसिटी है। तो यहाँ पर आपको कुछ पीछे का ऐसा करके कुछ आपको देखने को मिलता है, क्या लिखा है अब मुझे नहीं पता, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में।